तो ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग। तो स्वागत है तुम लोग का गुरुजी के ट्रिक्स के नए एपिसोड में, जहाँ पे फिर से तुम्हारा भाई तुम लोग के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स और बग्स और ग्लिचेस लेके आ चुका है, जिनको देखने बाद ना तुम लोग पूरा पगला जाओगे कि ऐसा भी अपने गेम में हो सकता है क्या, और तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर पाओगे। और हाँ, लास्ट वाले ट्रिक को ध्यान से देखना तुम लोग, ये वाला काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, और तुम लोग सोचने लग जाओगे मतलब कि गेम में ऐसा भी कुछ है क्या। तो अपने पहले वाले बग को करने के लिए तुम लोग आ जाना परगेटरी मैप की इस वाली जगह पे, जो कि अपने ब्राजीला के पास एक बड़ा सा हवेली होता है ना, वहाँ पे है। तो यहाँ पे आने से पहले तुम लोग को ट्रक पे आ जाना, और तुम्हारे पास होना चाहिए अपना मिनी लॉन्च पैड। और ट्रक के पास आने के बाद तुम लोग अपने लॉन्च पैड को कुछ ऐसे लगाना है जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ जाना है, फिर तुम्हारा जो लीवर मिन माइस का बटन होता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आना है। देन तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा ट्रक के अंदर आ चुके हो, और जैसे ही तुम लोग ट्रक के अंदर आ जाओगे यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, बहुत ही सारे किल कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पे तुम लोग को कोई देखने वाला तो है नहीं। और परगेटरी मैप में यहाँ पे बंदे कम ही आते, मतलब उतरते तो हैं तो यहाँ से बहुत ही सारे किल कर सकते हो, लेकिन कोई भी बंदा यहाँ पे उतरता है तो अभी तुम लोग को नोटिस नहीं कर पाएगा कि कोई ट्रक के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ से तुम लोग बहुत ही सारे किल कर सकते हो, बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, और अपना कभी कभार ना लास्ट वाला जोन भी यहीं पर बन जाता है। तो इस वाले ट्रक का इस्तेमाल करके अपना रैंक पुश कर पाओगे और बुया भी कर पाओगे सारे गेम्स को। तो इस वाले ट्रक को अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना, उन्हें भी बताना कि ऐसा कुछ होता है अपने गेम में। तो इस वीडियो को शेयर कर दो इसी बात पे। तो अपने अगले वाले बग को करने के लिए तुम लोग आ जाना सबसे पहले लॉबी में, देन तुम लोग को जो है अपना न्यू वाला मोड आया ना ड्रोबो बैटल रॉयल मोड, उसको स्टार्ट कर लेना सबसे पहले। और स्टार्ट करने के बाद जैसे तुम लोग गेम में आते हो, तो गेम में आने के बाद तुम लोग को देख लेना सबसे पहले मैप खोल के ना कि अपना जो मिल होता है वो दूर है कि नहीं, मतलब जोन से बाहर है कि नहीं। और जिस वाले गेम में ना जो अपना मिल होता है वो बाहर होगा जोन के, उस वाले गेम में तुम लोग कोई सी भी एक गाड़ी लेनी है, तुम लोग लैम्बोर्गिनी या जीप प्रेफर कर सकते हो मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले तुम लोग को लैम्बोर्गिनी लेनी है या जीप लेनी है, देन तुम लोग को सीधे भगाते हुए मिल पे चले जाना है जोन के अंदर, और अपना मतलब मिल जोन के अंदर ही होना चाहिए। और तुम लोग को भगाते भगाते सबसे पहले मिल पे आ जाना एकदम दौड़ाते दौड़ाते कुछ ऐसे। और जैसे ही तुम लोग अपनी गाड़ी को लेके आ जाओगे मिल पे ना, फिर तुम लोग अपनी गाड़ी को कुछ ऐसे लगाना जैसे मैं लगा रहा हूँ मिल के इस वाली साइड पे, यहाँ पे लगाना है तुम लोग अपनी गाड़ी को। देन तुम्हारी गाड़ी और तुम नीचे आ जाओगे पूरा मिल के, और जैसे तुम लोग नीचे आ जाओगे, जैसे ही तुम लोग गाड़ी में बैठोगे तुम्हारी गाड़ी ना इतनी ऊपर हवा में उड़ोगे तुम लोग पगला जाओगे, मतलब सोच में पड़ जाओगे एक टाइम के लिए कि आप फ्लाइंग हैक लगा लिया तुम लोगों ने, इतनी ऊपर तुम्हारी गाड़ी जाने वाली है। और हर जगह वाला ट्रिक वर्क नहीं करता, जैसे मैंने यहाँ पे किया था तो यहाँ पे वाला ट्रिक नहीं मतलब वर्क किया और मैं ऊपर आ गया गाड़ी के। लेकिन तुम लोग को मैं एक और ट्रिक खतरनाक वाला बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम लोग अपनी गाड़ी को लेना, और जो भी गाड़ी तुम्हारे पास हो जीप हो कोई सी भी गाड़ी हो मतलब तुम लोग को आगे लेना, तुम लोग इस वाली जगह पे आना जहाँ अपना वेंडिंग मशीन होता है ना वहाँ पे आना है तुम लोग को, और गाड़ी में से उतरना है। और जैसे तुम्हारी गाड़ी और तुम नीचे आ जाओगे तुम लोग को गाड़ी में बैठना है, फिर तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग एकदम से ना पूरा जमीन के नीचे आ चुके हो पूरा पानी में अपनी गाड़ी के साथ। और अब जैसे तुम लोग यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग पूरी मस्ती कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ जरूर इस वाले ट्रिक को करना, अकेले करोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। अगर तुम लोग अपने फ्रेंड के साथ आते हो ना स्क्वाड के साथ या डुओ के साथ, तो यहाँ पे तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा मजे आने वाले, क्योंकि तुम लोग गाड़ी में भी उड़ लोगे और तुम लोग पूरा मैप के नीचे भी आ जाओगे। तो ये वाला बग भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और ये वाला बग तो देखने में ही काफ़ी अमेजिंग और खतरनाक लग रहा है, मतलब ऐसा बग तुम लोग ने देखा नहीं होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और बग्स देखने के लिए। अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को आ जाना यहाँ पे इस वाले ब्रिज के पास, ये वाला ब्रिज ना अपना पीक के साइड वाला ब्रिज होता है जो कि अपने मिल से निकल के आता है। तो यहाँ पे आ जाना सबसे पहले तुम लोग को, फिर तुम्हारे पास अपना मिनी लॉन्च पैड होना चाहिए। देन तुम लोग अपने लॉन्च पैड को कुछ ऐसे लगाना है अपने दीवार के साइड कुछ ऐसे ब्रिज के बगल में, फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ जाना है, फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज वाला बटन होता है ना दोनों को साथ में दबाना है, देन तुम लोग को गेम में वापस आना। उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग बहुत ही आराम से पूरा अपने ब्रिज के अंदर आ चुके हो, और जैसे ही तुम लोग ब्रिज के अंदर आ जाते हो यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत ही सारे किल कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पे भी तुम लोग को कोई देखने वाला है नहीं। और यहाँ पे ब्रिज के अंदर क्या ही बंदे सोच सकते हैं क्या है, मतलब कैसे बंदे आ सकते हैं ब्रिज के नीचे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये वाला बग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाए, तुम लोग अगर रैंक पुश करना चाहते हो तो इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करना। और हाँ, मुझे पता है तुम लोग रैंक पुश करते होगे और बहुत ही आराम से अपना ग्रैंड मास्टर करना चाहते होगे, तो ये वाला ट्रिक उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। लास्ट जोन में तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर हो जाता है वाला ट्रिक, और यहाँ से तुम लोग ऊपर के बंदों को भी मार सकते हो कुछ ऐसे, और ऊपर वाले बंदे तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। जैसे मैं इस बंदे को मार रहा हूँ लेकिन ये बंदी मुझे देख नहीं पा रही है, मतलब ये वाला बग काफ़ी लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो इस वाले बग के लिए एक शेयर बनता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी रैंक पुश करते हैं ना उनके साथ शेयर कर सकते हो तुम लोग इस वाली वीडियो को। तो अपने अगले वाले ग्लिच को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग आ जाना परगेटरी मैप में, देन तुम लोग आ जाना गोल्फ कोर्स और एमटी विला होता है ना इसके बगल में, ये वाली जगह ये वाली पहाड़ी यहाँ पे आ जाना है। देन तुम लोग को पहाड़ी के बगल में अपने लॉन्च पैड को कुछ ऐसे लगा देना है, फिर तुम लोग का जो लीवर मिन माइस का बटन होता है ना दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आना। देन तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा पहाड़ी के अंदर आ चुके हो, और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग को कुछ ऐसे बैठ जाना उधर की साइड मूव करके। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा, लिटरली कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे कोई बंदा भी हो सकता है। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी गन्स दिख रही है ना यहाँ पे, तो तुम लोग ऐसे कुछ बैन भी मार सकते हो, और कोई बंदा है तो उसे बहुत ही आराम से
पे तुम लोग मार भी सकते हो, और चाहो तो तुम लोग सारी गन्स भी अपनी फेंक सकते हो यहाँ पे। कोई बंदा अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग ड्रोन्स फेंक सकते हो, मेडकिट फेंक सकते हो, टोकन्स फेंक सकते हो। अगर कोई बंदा यहाँ पे आएगा तो उसे बहुत ही आराम से तुम लोग मार भी दोगे। जैसे यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें फेंक दी और यहाँ पे मैं कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है मेरा यहाँ पे, और कोई बंदा सामने से लूटने के लिए आता है ना, तो मैं उसे बहुत ही आराम से यहाँ से हेडशॉट मार सकता हूँ, अपना किल भी कर सकता हूँ। और अगर तुम लोग सोलो खेलते तो वैलिड ट्रिक तुम लोग के लिए उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अपने अगले वाले बग को करने के लिए आ जाना तुम लोगों को सबसे पहले क्लॉक टावर की इस वाली जगह पे, और क्लॉक टावर तो तुम लोगों को पता ही है कहाँ पे होगा, और ये वाली जगह पे भी कहाँ पे होगी मतलब तुम लोगों को तो पता ही होगा। तो यहाँ पे आ जाना सबसे पहले, फिर तुम्हारा जो लॉन्च पैड होता है ना उसको लेना, देन तुम लोग अपने लॉन्च पैड को कुछ ऐसे लगाना यहाँ पे, फिर तुम्हारा जो लीप और मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों को ध्यान से देखना और दोनों को साथ में दबाना है और गेम में वापस आना। उसके बाद देख ही पा रहे हो तुम लोग इस वाली जगह पे आ चुके हो, जो अपने क्लॉक टावर का वॉल के अंदर ये वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे आ चुके हो। और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत ही सारे किल कर सकते हो। देखो जोन कहाँ पे बना है और मैं कहाँ पे हूँ, मतलब यहाँ तक तो मैं अपना रैंक पुश बहुत ही आराम से कर सकता हूँ, और अगर कोई बंदा यहाँ पे आएगा तो मैं उसे बहुत ही आराम से मार भी सकता हूँ। और अगर ना अपना लास्ट वाला जोन यहाँ पे बन जाता है तो तुम लोग बहुत ही आराम से बुया भी कर सकते हो अपने गेम के। तो इस वाले गेम मतलब इस वाले बग को ट्राई करना बनता है यार अपने गेम में, तो जाओ जल्दी से इस वाले बग को ट्राई करो। तो जैसे कि मैंने बोला ही था अपना लास्ट वाला बग ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। अब तुम लोग ध्यान से देखो, तुम लोग इस वाली प्लेस पे आना है, इस वाला जो ये वाला टावर दिख रहा है ना इसके पास आना है। तुम लोग मैप में भी देख सकते हो ये वाला टावर कहाँ पे है, यहाँ पे आना है तुम लोगों को। सबसे पहले मैप पे ध्यान से देखो ये वाली जगह कहाँ है, तुम लोग को प्रॉपर इसी वाले प्लेस पे आना है। अब तुम लोग ध्यान से देखना तुम लोग को करना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो तुम लोग को सामने दिखाई दे रहा है ना टावर, इस पर तुम लोग ध्यान से देखो तो क्या तुम लोग को कुछ अजीब दिखाई दे रहा है इस वाले टावर पे। अभी जितने लोग देख रहे हो इसमें से ना तुम लोग को कुछ ही लोगों को पता चला होगा कि उस वाले टावर पे क्या दिखाई दे रहा है तुम लोग को। अगर तुम लोगों ने देख लिया तो कमेंट करके बता सकते हो, और नहीं देखा तो मैं तुम लोग को बताता हूँ। सामने जो ये टावर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एलियन तुम लोग को दिखाई दे रहा है। अगर ना तुम लोग ध्यान से इस वाले टावर पे देखते हो तो यहाँ पे तुम लोग को एकदम एलियन दिखाई दे रहा है, एलियन फेस तुम लोग को दिखाई दे रहा है। और इसी टावर पे नहीं, अपने करीना फ्री फायर के लगभग हर टावर पे तुम लोग के लिए ये वाला एलियन फेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसका हिंट मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है, क्या कोई न्यू इवेंट आ रहा है या करीना ने क्यों इसे ऐड किया है, लेकिन मुझे लग रहा है अपने गेम पे ना एलियन ने कब्जा कर लिया है। मतलब ऐसे मजाक कर रहा था, शायद कोई इवेंट का हो सकता है, ऐसे ही बन गया होगा। तो तुम लोग जाके देख सकते हो यार इसको भी, और हाँ अगर तुम लोग को कुछ और थ्योरी लग रही है तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो मुझे। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि तुम लोग को ये वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। और हाँ अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।